तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य और वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग व्हाट इफ गोकू वाज बॉर्न एज अ डिस्ट्रॉयर का पार्ट 3 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप लोग इसका पार्ट 1 2 देख लें, तभी जाके आप लोग को इसकी कहानी समझ में आएगी। और उसका वीडियो का लिंक मैंने पहले से ही डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे गोकू धरती पर आता है पटाटा के साथ, और उसके बाद कामी गोकू से हेल्प मांगता है कि वो पिकलो को हराने में उसकी मदद करे, क्योंकि पिकलो धरती को पूरी तरह से तबाह कर देगा। और उसके बाद दोस्तों, गोकू पिकलो को हरा देता है, और उसके बाद कैसे गोकू पिकलो को ट्रेन करता है, और पिकलो उसके साथ ट्रेनिंग करते हुए कैसे एक अच्छा इंसान बन जाता है और धरती की रक्षा करने चला जाता है। और दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ये भी देखा कि सभी लोग एक साथ मास्टर रोशी के आइलैंड पे जाते हैं मिलने के लिए, और वहाँ पे गोकू, चीची, बुलमा, पटाटा, पिकलो और टीएन, यामचा, मास्टर रोशी और भी लोग होते हैं। और दोस्तों, मैंने ये भी कहा था कि धरती की तरफ एक स्पेस पॉट आ रहा है। तो दोस्तों, दरअसल वो स्पेस पॉट किसी और का नहीं, गोकू के बड़े भाई रेड्स का ही होता है। और वो धरती पे जैसे ही आता है वो बहुत ही ज़्यादा निराश होता है, क्योंकि गोकू ने धरती को तबाही नहीं किया होता। क्योंकि दोस्तों, रेड्स को तो ये पता ही नहीं है कि गोकू प्लैनेट वीरस पे चला गया था ट्रेनिंग लेने के लिए विश और वीरस से, और इससे यही लगता था कि गोकू अभी भी धरती पे ही है और उसका यही काम था कि वो धरती को ख़त्म करे। पर उसे जब ये पता चला कि गोकू ने धरती को नहीं ख़त्म किया है तो वो बहुत ज़्यादा निराश होता है, और उसके बाद वो गोकू को खोजने चला जाता। पर दोस्तों, इस टाइम पे रेडिट्स को कोई भी पावर लेवल उतना महसूस ही नहीं होता है जो कि हाई हो, क्योंकि दोस्तों गोकू के पास और पटाटा के पास और पिकलो के पास गॉड की होता है, तो उसे महसूस ही नहीं होता है कि गोकू कहाँ है। पर दोस्तों, इस टाइम पे चीची के पास गॉड की नहीं होता है और रेडिट्स को उसका ही पावर लेवल महसूस होता है। और ये देख के रेडिट्स बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि चीची का भी पावर लेवल 10,000 होता है और उसका पावर लेवल अभी सिर्फ और सिर्फ 2,000 के आसपास होता है। पर वो गोकू को खोजने के लिए निकल जाता है, और उसके बाद वो मास्टर ओशी के आइलैंड पे आता है और वो गोकू से मिलता है, और उसके बाद बोलता है कि कैकारोट, तुमने इस प्लैनेट को ख़त्म क्यों नहीं किया। तभी वो बोलता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कैकारोट। तभी वो बोलता है गोकू कि मेरा नाम कैकारोट नहीं गोकू है, और मैं इस धरती को ख़त्म क्यों करूँगा, मैं तो इसे बचाने के लिए ही आया हूँ। तभी रेडिट्स बोलता है कि बचाने के लिए आए हो, हमारे फादर और मदर ने तुम्हें इस प्लैनेट को ख़त्म करने के लिए भेजा था। तभी वो बोलता है कि मेरे मदर और फादर, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो। तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ कैकारोट, तुमने मुझे पहचाना नहीं। तभी बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। उसके बाद वो पूछता है कि तुमने इस प्लैनेट को ख़त्म क्यों नहीं किया। तो बोला, तभी गोकू बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला ना, मैं इस प्लैनेट को ख़त्म नहीं करूँगा, मैं इस प्लैनेट को सेव करने के लिए ही इस प्लैनेट पर आया था। उसके बाद वो गोकू से ये भी पूछता है कि कैकारोट, तुम्हारा टेल क्या हुआ। तो ये बोलता है कि मेरा टेल, हाँ मुझे याद है, मेरे मास्टर ने मेरे टेल को काट दिया था, क्योंकि मैं अपने उजाड़ू फॉर्म को काबू नहीं कर पाता था। तभी उसे रेड्स बोलता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है, तुम्हारा मास्टर और किसने तुम्हें ट्रेन किया है, और तुम्हारी पावर लेवल इतनी कम क्यों है, मुझे तुम्हारी पावर लेवल महसूस क्यों नहीं हो रही है, और इस लड़की का पावर लेवल 10,000 है, तुम इतने वीक कैसे हो कैकारोट। तभी बोलता है कि तुम मुझे कैकारोट बुलाना बंद करो, मेरा नाम गोकू है। तभी बोलता है कि तुम्हें क्या मैं सच में याद नहीं हूँ। तो बोलता है कि सच में तुम मुझे याद नहीं हो। उसके बाद वो गोकू को धमकी देता और बोलता है कि इस प्लैनेट को ख़त्म करके तुम मेरे साथ चलो, वरना मैं खुद ही इस प्लैनेट को ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें मार दूंगा। और ये बात सुन के दोस्तों, गोकू को और पटाटा पिकलो के साथ साथ चीची और टीएन इन सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो बोलता है कि तुम इस प्लैनेट को ख़त्म कर दोगे, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम इस प्लैनेट को ख़त्म कर दोगे। और पिकलो की ये बात सुनते ही रेड्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो अटैक करने के लिए जैसे ही पिकलो पर जाता है तभी उसे चीची आके रोक लेती है और उस पर एक कस के पंच मारती है उसके पेट में, और रेड्स बहुत ही दूर जाके गिरता है। और ये देख के रेड्स को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि एक लड़की के पास इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है। पर इसके बाद वो गोकू के पास जाता है और बोलता है कि कैकारोट, तुम मुझे बताओ, तुम्हारे लोग इतने ज़्यादा ताकतवर क्यों हों और तुम इतने कमज़ोर क्यों हो। तभी गोकू उसे बोलता है कि तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं कमज़ोर हूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर कोई है तो वो मैं और पटाटा ही हैं। ये सुन के रेड्स को बहुत ज़्यादा हैरान नहीं होता है, क्योंकि उसके स्काउटर में गोकू का पावर लेवल रीड ही नहीं हो रहा होता है। तभी उसे पिकलो बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस प्लैनेट को छोड़ के चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। पर उसके बाद वो गोकू से बोलता है कि गोकू कैकारोट, अगर तुम इतने ही ज़्यादा ताकतवर हो तो क्या तुम मुझे भी ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि मैं अब वेजिटा और नापा के साथ काम करना नहीं चाहता हूँ, वो लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं और मुझे हमेशा ही धमकी देते रहते हैं मरने का, और मैं तुम्हें यहाँ पे लेने भी उन्हीं दोनों के कहने पर आया हूँ,
पर जैसा कि मुझे लग रहा है तुम लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तो क्या तुम लोग मुझे ट्रेन कर सकते हो और वेजिटा नापा से बचा सकते हो? तभी गोकू बोलता कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा, और जैसा कि तुमने कहा कि तुम मेरे बड़े भाई हो तो तुम्हें ट्रेन करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। पर दोस्तों इस टाइम पर ये बात सुन के पटाटा को रेडिट से बहुत ज़्यादा हमदर्दी होती है, क्योंकि उसने ये बोला होता है कि वेजिटा और नापा उसे हमेशा ही धमकी देते रहते हैं कि वो उसे जान से मार देंगे। तो इस यूनिवर्स में दोस्तों पटाटा ये फैसला लेती है कि रेडिट्स को ट्रेन गोकू नहीं, वो खुद करेगी। ये सुनने के बाद वेजिटा नापा बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि दोस्तों रेडिट्स का स्कॉटर ऑन होता है, तो ये बात वेजिटा और नापा भी सुन लेते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर ये लोग इतना ही ज़्यादा ताकतवर हैं तो हम लोग ज़रूर इन लोग को हराने जाएंगे और इनके गलत फहमी को दूर कर देंगे। और दोस्तों वेजिटा और नापा धरती पर आने के लिए निकल चुके होते हैं, और रेडिट्स गोकू को बोलता है कि गोकू अब कुछ ही एक साल के अंदर वेजिटा और नापा धरती पे आएंगे धरती को तबाह करने के लिए। तभी गोकू बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग उसे बहुत ही आसानी से हरा देंगे। और उसके बाद दोस्तों रेडिट्स पटाटा के साथ ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है, और लगभग एक साल बीत जाता है। दोस्तों इस बीच में पटाटा ने रेडिट से शादी भी कर ली होती है, क्योंकि पटाटा को रेडिट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुका होता है, और रेडिट्स के पास भी इस समय बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है, क्योंकि दोस्तों रेडिट्स पटाटा के साथ हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में भी जाके एक बार ट्रेनिंग कर चुका होता है। तो इस समय दोस्तों लगभग रेडिट्स पटाटा के साथ 2 साल तक के लिए ट्रेनिंग कर चुका होता है, और बीच बीच में उसे गोकू भी आके खुद पर्सनली ट्रेन करता था। इसीलिए दोस्तों इस टाइम पे रेडिट्स के पास सुपर सेन की पावर के साथ साथ गॉड की भी आ चुकी होती है। हाँ दोस्तों, मैंने आप लोग को ये बात बताया ही नहीं है शायद कि गोकू ने सुपर सेन 1, 2, 3 और 4 तक को भी पा लिया है। जैसा कि रेडिट्स ने बोला था कि तुम्हारे पास तुम्हारी टेल कहाँ है, तो दोस्तों गोकू अपने विल से ही अपनी टेल को बार बार ग्रो कर सकता है, जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में ऐसा नहीं होता है। पर इस सीरीज में दोस्तों गोकू जब चाहे अपनी टेल को निकाल सकता है और जब चाहे उसे वापस से अंदर कर सकता है। ये खास करके ट्रेनिंग विश नहीं उसे दी होती है, और क्योंकि गोकू इस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर बनने वाला होता है, इसलिए विश ने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था और उसे खास करके बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश की थी। और इसीलिए दोस्तों गोकू के पास अभी सुपर सैन 4 तक की भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और जैसा कि दोस्तों एक साल बीतने के बाद रेडिट्स और नापा धरती पर आते हैं, और आते ही के साथ धरती पर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही गोकू और बाकी सारे लोगों को उनकी पावर लेवल महसूस होती है, वो लोग तुरंत से ही वेजिटा और नापा के पास जाते हैं लड़ने के लिए। और दोस्तों वेजिटा और नापा उन सबको देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, और उसके बाद वो रेडिट्स को धमकी देते हैं कि रेडिट्स अब हम तुम्हें जान से ज़रूर ही से मार देंगे, अभी तक हम लोग ने तुम्हें ज़रूर छोड़ दिया था पर अब तुम्हारे मरने की टाइम आ चुका है। और उसके बाद दोस्तों नापा रेडिट्स से लड़ने के लिए जाता है, और जैसे ही नापा रेडिट्स के साथ लड़ने जाता है तभी रेडिट्स बहुत ही आसानी से नापा के हर एक अटैक को डॉच कर रहा होता है, और नापा को बहुत ही आसानी से हरा रहा होता है। और ये देख के नापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो सीधे से ही अपने उजाड़ू फॉर्म में चला जाता है रेडिट्स से लड़ने के लिए। पर दोस्तों इस टाइम पे क्योंकि रेडिट्स के पास गॉड की और सुपर सेन तक की भी पावर होती है, तब भी दोस्तों बिना इसकी यूज किए हुए भी रेडिट्स नापा को हरा रहा होता है, क्योंकि दोस्तों 2 साल तक पटाटा के साथ और गोकू के साथ ट्रेनिंग करने की वजह से रेडिट्स की बेस फॉर्म भी इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी होती है कि नापा का उजाड़ू फॉर्म भी उसे कुछ नहीं कर पा रहा होता है। और उसके बाद दोस्तों रेडिट्स बहुत ही आसानी से उसे हरा देता है, और उसकी टेल को काट के उसे वापस से नॉर्मल फॉर्म में ला देता है, और उस पर कस का की अटैक करता है जिसके वजह से वो बेहोश हो जाता है। और ये देख के वेजिटा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है कि रेडिट्स बहुत ही आसानी से नापा को हरा दिया। और उसके बाद वो खुद ही मैदान में उतरने आ जाता है लड़ने के लिए, और वो सबसे पहले रेडिट्स से ही लड़ने जाता है, और वो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए सीधे सुपर सैन में ही बदल के रेडिट्स से लड़ता है। हाँ दोस्तों, इस यूनिवर्स का जो वेजिटा होता है उसने सुपर सैन को बहुत ही पहले मास्टर कर लिया होता है, और उसके बाद वो रेडिट्स से लड़ने के लिए आता है। और इसकी सुपर सैन के पावर को देख कर रेडिट्स भी एक बार के लिए हैरान होता है, और वो भी सुपर सैन में बदल के वेजिटा से लड़ने के लिए जाता है। इसके बाद दोस्तों रेडिट्स और वेजिटा की फाइट शुरू होती है, जहाँ पर सुपर सैन वेजिटा शुरुआत में रेडिट्स पर बहुत ही ज़्यादा आसानी से हावी हो रहा होता है, और रेडिट्स को बहुत ही आसानी से हरा रहा होता है। और उसके बाद दोस्तों रेडिट्स और वेजिटा एक दूसरे पे की अटैक करते हैं, जहाँ पे वेजिटा अपने फाइनल फ्लैश का अटैक को यूज़ करता है, वहीं पे रेडिट्स अपने डबल संडे का इस्तेमाल करता है, और दोनों के की ब्लास्ट जैसे ही आपस में टकराते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वेजिटा अभी भी खड़ा होता है, और रेडिट्स फिर से उससे लड़ने के लिए जाता है, और उन दोनों में फिर से फाइट शुरू होती है, जहाँ पर दोस्तों वेजिटा रेडिट्स के फेस पर एक पंच मारता है
तभी रेड्स वेजिटा के पेट में एक पंच मारता है और दोनों दूर जाके फिर से फेंका जाते हैं। उसके बाद दोस्तों वेजिटा को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी गुस्से को और ज़्यादा रीच में करते हुए रेडिट्स पे एक और हमला करता है और उसके बाद वो रेडिट्स को फाइनली कुछ समय के लिए रोक देता है। और ये देख के रेडिट्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसने वेजिटा ने फिर से रेडिट्स को हरा दिया। और उसके बाद दोस्तों रेडिट्स फिर से खड़ा होता है और बोलता है कि ये फाइट अभी ख़त्म नहीं है वेजिटा। और दोस्तों इसके बाद रेडिट्स अपने सुपर सेन गॉड के पावर को इस्तेमाल करता है फर्स्ट टाइम और वेजिटा पे की अटैक करता है। और उसके बाद दोस्तों वेजिटा वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। और इस पावर को देख के वेजिटा भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि ये रेडिट्स ने कौन सी फॉर्म को अचीव किया है जिसकी पावर लेवल भी उसे महसूस नहीं हो रही होती है, फिर भी रेडिट्स ने उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया है। और दोस्तों इसके बाद रेडिट्स वेजिटा को जान से मारने के लिए जाता है और जैसे ही वो वेजिटा पे की अटैक करने वाला होता है तभी गोकू वहाँ पर आके उसे रोक लेता है और बोलता है कि इसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये एक बहुत ही अच्छा बड़ा फाइटर है, क्योंकि मैंने और पटाटा दोनों ने मिलकर तुम्हें दोस्त एक साल तक लगभग ट्रेनिंग दी और एक साल हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में पटाटा ने तुम्हें ट्रेनिंग दी है, फिर भी वेजिटा ने तुम्हें सुपर सैन के फॉर्म में हरा दिया। तो इसका मतलब यही है कि ये बहुत ही अच्छा फाइटर है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इतने अच्छे फाइटर इस यूनिवर्स से मिट जाएं। और उसके बाद वो वेजिटा को माफ़ करता है और बोलता है कि अगर तुम इस प्लैनेट पे शांति से रहोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा वरना तुम्हें मरना होगा। और वेजिटा ये सुनते ही कि उसे मरना होगा, और क्योंकि वेजिटा ये समझ चुका होता है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है तो यही समझता है सोचता है कि मुझे भी अभी यहाँ पर शांत रहना होगा क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कुछ करूँगा और मैंने इन लोगों पर फिर से हमला किया तो ये लोग मुझे बहुत ही आसानी से मार देंगे। तो वेजिटा बोलता है कि ठीक है मैं इस प्लैनेट पर आराम से तो रहूँगा पर इससे पहले मैं कुछ चाहता हूँ। और उसके बाद दोस्तों गोकू उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और उसके बाद वेजिटा गोकू से बोलता है कि कैकोरोट मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तभी गोकू उससे पूछता है कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए पर तुम तो इतने ताकतवर हो, तुम्हें क्या मदद चाहिए मेरी। तभी वेजिटा उससे बोलता है कि मुझे फ्रीजा को हराने में तुम्हारी मदद चाहिए। और फ्रीजा का नाम सुनते ही रेड्स भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। पर दोस्तों आज का हमारा व्हाट इफ गोकू वाज बॉर्न एज ए डिस्ट्रॉयर का पार्ट 3 यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं ऐसे ही आप लोग के लिए और भी वीडियो लाता रहूं।